Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome, my dear students. Comparing quantities, class math, class 8th subject math. आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए. The population of a place increased to 54,000 in 2003. किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है 54,000 2003 के अंदर एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम. इंक्रीज कितनी हो रही है, ये साल में 5% इंक्रीज हो रही है. दो पार्ट है इस क्वेश्चन के. पहला पार्ट क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. देखो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, मुझे निकालनी है पॉपुलेशन इन 2001. हाँ, जब 2003 के अंदर इंक्रीज हो गई है 54,000, ठीक है, रेट है 5%. मुझे निकालनी है पॉपुलेशन इन 2001. पहले सुनिए, कंपेयर क्वांटिटीज में हमने जब ये इंटरेस्टेड आते हैं, इयर्स देखते हैं. पहले फॉर एग्जांपल, अगर बैंक से 10,000 लोन इंसान निकालता है, ठीक है, ये अमाउंट क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, क्योंकि इसके बाद जो अमाउंट भरना पड़ता है, फॉर एग्जांपल उसको आप भरना पड़ेगा 15,000. ये क्या है, इसमें ये अमाउंट है जो पहले निकाला, पहले जो था पहले, दैट इज प्रिंसिपल. जो बाद में जो अमाउंट भरना पड़ता है, दैट इज द अमाउंट. रेट आपको मालूम है और टाइम. अब यहां जो इसी यही दिमाग के अंदर रखना है, जब इनक्रीज 54,000 in 2003. That means ये वाला अमाउंट जो ये बाद का अमाउंट है, हमें निकालना है पॉपुलेशन इन 2001. यानी कि बाद में जो दिया हुआ है ये अमाउंट है, जो पहले हमें निकालना है, दैट इज द प्रिंसिपल. दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल निकालना है. पहले पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है. प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो पहले होता है, जो बाद में हमें भरना पड़ता है इंटरेस्ट के बाद, ठीक है, दैट इज अमाउंट. पहले मैंने उनको डेफिनेशन बताई थी पहले, तो यही दिमाग के अंदर रख के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब पहला पार्ट देखिए, मैं पहले पार्ट पहला मतलब करूंगा, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. इसमें मुझे क्या निकालना है, जब पहले 2001, इसके बाद 2003 आ रहा है, दैट मीन मुझे प्रिंसिपल निकालना है. ये वाला अमाउंट ये क्या है, ये पॉपुलेशन जो है ये अमाउंट है. अमाउंट कितना है, इट इज 5, ये गिवन है 54,000, ठीक है. अच्छा, रेट क्या है, इट इज दिया हुआ है, इट इज 5%, ठीक है, ये भी रेट. टाइम दिया हुआ है, इट इज 2001 2002 2003, दैट मीन्स 2 years टाइम दिया हुआ है, ठीक है. निकालना क्या है मुझे, प्रिंसिपल निकालना है. विद फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आज मैं ये क्वेश्चन आपको विद फॉर्मूला दिखाता हूं. अमाउंट के लिए आपने फॉर्मूला याद रखी है पहले, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r / 100 raised to power n. ये फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए. अमाउंट भी दिया हुआ है, वहां ये सब कुछ दिया हुआ है, तो पी हमें निकल सकता है, ठीक है. इसी को इम्प्ले करेंगे, अमाउंट कितना है, इट इज 54,000. ओके, दैट्स इक्वल टू पी के बदले पी ही 1 + rate क्या है, इट इज 5/100 raised to power n, n minus time, दैट इज 2, ठीक है. फिर करेंगे, इट इज 5, 4, 0, 0 and 0, दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल, उसको मैं छोटा करता हूं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0. ये बन गया 1 + 1/20 raised to power 2, ठीक है, बिल्कुल. अब आगे सुनिए, ये प्रिंसिपल पी, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21s are 20 + 1/20 raised to power 2. That is equal to P into, it is 21 over 20, 20 + 1 = 20. उसको मैं दो बार करता हूं 21, क्योंकि स्क्वायर है 21 over 20, ठीक है. यहां क्या है, इट इज 5, 4, 0, 0 and 0. बिल्कुल आसान है. आगे चलिए, हाँ आगे मैं जाता हूं. इट इज 54,000, दैट इज इक्वल टू पी इन दो, हाँ इंटू, इन दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज 21 into 21, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 2 2 it is 4, 4.
दैट इज 441 डिवाइडेड बाय, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं दो सिफर्स, ठीक है, टू टू जार फोर, दैट इज 400, ठीक है, क्लियर। आगे जाइए, जब ये मल्टीप्लाई हो इस साइड में तो इस साइड जब आएगा तो ये डिवाइड होगा, अगर ये माइनस होता तो इस साइड में प्लस हो जाता, ठीक है, अगर ये प्लस होता तो इस साइड में ये माइनस होता, तो ये मल्टीप्लाई है ये इस साइड में क्या हो ट्रांसपोज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या होगा, इट इज 5400 एंड 0 डिवाइड होगा 441 डिवाइड होगा 40, इस तरह होगा ना, लेकिन ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, दैट्स इक्वल टू पी, पी का वैल्यू मुझे निकला, ठीक है। आगे देखिए, जब ये फोर द डिवाइड है दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, इट कम्स 5400 5400 डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय होगा 441, दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है। उनको आप छोटा बना सकते हैं, 44 डिवाइड कर सकते हैं, या कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है, टाइम मुझे टाइम को बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। ये आएगा, इनको मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, इट इज 0 0 0, 3 और 4 5 5 0, 4 0 0 4 0 0, नहीं पहले 1 2 3 4 5, 4 4 16, 4 5 20 21, 21 डिवाइडेड बाय 441, दैट्स इक्वल टू पी। उनको मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर मैं छोटा भी बना सकता हूं उसको, ये पॉइंट्स में आंसर होगा, इट इज 216 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 441, इट कम्स इक्वल टू 48979.59, दिस इज द पॉपुलेशन इन 2001, दिस इज द पॉपुलेशन इन 2002, ये प्रिंसिपल निकला, दैट इज द 2001 के अंदर जो पॉपुलेशन थी इट वॉज 48979.59, जो 2003 के अंदर जो पॉपुलेशन आ गई इट वॉज 5400। सेकेंड पार्ट में देखिए, वॉट वुड बी इट इज पॉपुलेशन इन 2005, बिल्कुल आसान है। अब ये जो है 2003, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम, इट इज 2 years, आप निकाल सकते हैं इसका क्या अमाउंट, यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपके लिए असाइनमेंट है, ये खुद कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए प्रिंसिपल यहां 54,000 सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है, तो रेट 5%, टाइम 2 years, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रिक के जरिए भी आप उसको निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस, थैंक यू वेरी मच।